मोदी जी के पास हर चीज का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई जवाब है। नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि विनाश के बाद सृजन कैसे होता है, उजड़े हुए चमन में फिर फूल कैसे खिलाए जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने जमाना बदल दिया। नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो दिन में 18 घंटे काम करते हैं। वे खुद 14 से 18 घंटों तक काम में बिजी रहते हैं, बिना थके लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी हमने देखा है बिना रुके बिना थके अपने तमाम कार्य वो करते रहते हैं। वो बिना रुके बिना थमे बिना थके लगातार काम करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनके साथ काम करने वाले परेशानी में रहते हैं। एक तो दिन रात काम करने वाला नेता इस देश में बहुत कम मिलता है, दूसरी तरफ हमने देखा है विपक्ष के लोग जब आराम फरमा रहे होते हैं सुबह सुबह उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामकाज पर लग जाते हैं। इसके पीछे उनकी अनुशासित दिनचर्या है और संयमित खानपान के साथ साथ कम खाते हैं, वक्त पर खाते हैं, आराम बहुत कम करते हैं। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। देखिए 2014 से अब तक राजनीति के केंद्र में अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 5 सालों बाद राजनीति का मतलब मोदी है और मोदी ही राजनीति में सब कुछ दिखाई देते हैं। पीएम नंबर 1। पीएम मोदी की स्टाइल का जवाब नहीं, पीएम मोदी की बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस की चर्चा अक्सर होती है। उनके फैशन स्टेटमेंट में सादगी और सौम्यता की झलक मिलती है। देश से लेकर विदेश तक मोदी जहां भी जाते हैं उनका ड्रेस सिलेक्शन काबिले तारीफ होता है। मोदी आज सियासत में ऐसे जादूगर बनकर सामने आए हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और उनके कहते कुछ भी मुमकिन है। तो मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की उपाधि अगर नरेंद्र मोदी को दें ये तो गलत नहीं होगा। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। आओ यस, देखिए खूबसूरत, अरे वाह, अरे बहुत ही खूबसूरत। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान, ये पल भी अद्भुत होगा, सोचिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत पर गोदी मीडिया को लेकर के लगातार जो सीरीज में चला रहा हूं उसमें दो तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि ये गोदी मीडिया आखिर है क्या और आप इसकी परतें उघाड़ने में क्यों लगे हैं। तो पहले सवाल का जवाब, ये तमाम सारे वीडियो थे जो अभी आपने देखे। गोदी मीडिया मतलब सरकार की गोद में बैठ चुका मीडिया। ये वीडियो में जो दिख रहा था वो स्वामी भक्ति है, चाटुकारता है, चरण वंदना है, चापलूसी है और चमचाई है। इसके आगे भी तमाम शब्द हैं जिनका इस्तेमाल लोग गाहे बगाहे करते हैं, लेकिन मैं उन असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। दूसरे सवाल का जवाब कि मैं इसकी परतें क्यों उघाड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि यही गोदी मीडिया इस समय देश में सबसे बड़ी विलेन बनी हुई है। इस गोदी मीडिया के 3 चरण हैं। पहला चरण तो ये कि अपने स्वामी यानी कि प्रभु मोदी को युग पुरुष के रूप में और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट करना। इनके प्रभु नरेंद्र मोदी के तरफ सवाल की उंगली अगर कोई उठाए तो उस उंगली को दूसरी तरफ यानी कि विपक्ष की तरफ मोड़ देना। इसके अलावा उनके प्रभु के मुंह से जो भी शब्द निकले उसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करना। अब इस गोदी मीडिया का सेकेंड स्टेप समझिए, विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर देना। आप लोगों के जहन में ये सवाल आखिर आता कहाँ से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश में है ही कौन। वो तमाम सारे लोग जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश नहीं रहते उनके जहन में भी ये सवाल घुसेड़ दिया गया है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो आखिर कौन। देखिए गोदी मीडिया का दूसरा स्टेप। चर्चा हो रही है राहुल गांधी की, राहुल गांधी की बात करना जरूरी है। आज लोकसभा टीवी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का लाइव प्रसारण चल रहा था और 68 मिनट के दौरान 30 बार ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी फ्रेम में दिखाई दिए। जब हमने उनके हर फ्रेम का बारीकी से अध्ययन किया तो हमें पता चला कि 10 मौकों पर राहुल गांधी अपने फोन में व्यस्त थे, मोबाइल में व्यस्त थे। मतलब आगे की सीट पर थे लेकिन हरकतें बैक बेंचर्स वाली थी, कभी मोबाइल पर लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। राहुल गांधी के इस मोबाइल प्यार की वजह से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सामने शर्मनाक स्थिति आ गई है। राहुल ने नहीं बजाई ताली, सोनिया ने भी राहुल को ताली बजाने के लिए कहा। सवाल है, क्या आज आपने विपक्ष के नेताओं की योग करते हुए कोई तस्वीर देखी? बात बात पर सेल्फी लेकर ट्वीट करने वाले विपक्ष के नेता, मैं सोच रही हूँ आज दिन भर कहाँ गायब रहे। इस बार मोदी वर्सेस राहुल वॉज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज देयर वॉज नो कॉन्टेस्ट। अब सवाल देश में ये है, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु,
इन दिस जनरल इलेक्शन कैंपेन, इस आम चुनाव। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती, आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया। ये जो हाल चल जहां पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गोदी मीडिया के इस दूसरे चरण में एक चीज और शामिल है, सत्ता पक्ष को बचाने के लिए विपक्ष पर लगातार सवाल खड़े करना। ये अर्णव गोस्वामी जो विपक्ष पर चीखता चिल्लाता है, इसने 20 अप्रैल को एक प्रोग्राम किया मध्य प्रदेश में, कोरोना का खलनायक कौन, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्सक्लूसिव अपनी चैनल पर बैठाला। लेकिन इसने जिस तरीके के सवाल उनसे किए वो सत्ता पक्ष की तरफ न मोड़ करके पूरे सवाल विपक्ष की तरफ मोड़ दिए गए, मानो कि वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसकी कोरोना के प्रति कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं, बल्कि कमलनाथ की पूरी जिम्मेदारी बनती है। इस व्यक्ति ने निर्लज्जता की सारी हदें पार करते हुए शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए भी उकसाना शुरू कर दिया कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है कमलनाथ के प्रति तल्ख शब्दों के इस्तेमाल करने की। उस इंटरव्यू में जो सवाल इस अर्णव गोस्वामी ने पूछे, उन सवालों की फेरिस्त सुन लीजिए। तबलीगी जमात के 26 लोग मध्य प्रदेश में कई मस्जिदों में मिले थे, इन सबको कोरोना था, ये लोग वहां छिपे थे, क्या जमातियों की वजह से एक बड़ा कारण बना कि आपके राज्य में कोरोना बढ़ा? आपके पहले जो मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उनको पता था कि कोरोना फैल रहा है फरवरी में, और पता होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया? क्योंकि अगर वो बात सही है तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि पिछले मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने, उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं फरवरी में कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन उनकी सरकार यहां सोती रही। इंदौर में मीटिंग हुई, मैंने आज आपको पहले ही सवाल में बोला कि शिवराज जी मेरे प्रोग्राम में आपको खुलकर बोलना पड़ेगा, और एक मेरा आप पर भी मैं एक दोष डालने वाला हूं कि आप भी अपने सभ्यता को बचाते बचाते कमलनाथ का नाम नहीं लेते, आप खुलकर नहीं बोलते, आप हमेशा दिखाना चाहते हैं कि कमलनाथ के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी जानते हुए भी, इंदौर की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए भी, वहां पे फिल्म अभिनेताओं के साथ कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे एक बॉलीवुड का प्रोग्राम करना चाहते थे, मगर क्या उनको पता था कि इंदौर में कोरोना फैल रहा है? क्या उनको पता था कि किसी वर्ग विशेष जहां पे ज्यादा रहती है उस वर्ग विशेष के बीच में कोरोना ज्यादा फैल रहा है? क्या उनको पता था? और पता होते हुए भी उन्होंने अपने आंखों पर काली पट्टी लगाई थी, इस पर जरा स्पष्ट रूप से कहे शिवराज जी, स्पष्ट रूप से कहे। बिल ये हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो, ये हो ही नहीं। सत्ता का ये दलाल अर्णव गोस्वामी शिवराज सिंह चौहान से ये सवाल क्यों नहीं करता कि जिस समय मध्य प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा था उस समय आपको अपने खुद को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना ज्यादा सही लग रहा था, जिस समय देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा रही थी उस समय आप तमाम सारे विधायकों को लेकर के शपथ ग्रहण क्यों कर रहे थे? सत्ता का ये दलाल क्यों नहीं पूछता है शिवराज सिंह चौहान से कि उस समय आप विधायकों की खरीद फरोख्त में क्यों लगे हुए थे? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उनके पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जब 12 फरवरी को ही उनको सचेत कर चुके थे तो आखिर कमलनाथ क्यों नहीं चेते? इस सवाल के जवाब में अर्णव गोस्वामी शिवराज सिंह चौहान से ये क्यों नहीं पूछता है कि गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में दूसरे नंबर का राज्य है, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 3548 तक पहुंच गई है और 162 मौतें हो गई हैं, इसके अलावा देश में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश की गिनती होती है, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर राहुल गांधी के कहने पर कमलनाथ नहीं चेते थे तो इस अर्णव गोस्वामी को पूछना चाहिए था कि केंद्र सरकार क्यों नहीं चेती थी, गुजरात की सरकार
क्यों नहीं चेती थी, लेकिन पूरे सवाल जवाब में दिख रहा है कि वो ठीक रहा कमलनाथ पर फोड़ रहा है, अपनी प्रिय पार्टी के मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इस गोदी मीडिया का तीसरा चरण जो बेहद ही खतरनाक है, इस तीसरे चरण में ये गोदी मीडिया नफरत फैलाने का काम कर रही है, नफरत के बीज बो रही है। नेशनल जनमत ने तीन प्रमुख गोदी मीडिया संस्थानों के एक हफ्ते की टीवी प्रोग्राम्स की लिस्ट देखी, उनमें से उन प्रोग्रामों की हेडिंग निकाली कि आखिर इस समय जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है उस समय ये अपनी चैनल पर अर्णव गोस्वामी किस मामले को लेकर डिबेट करवा रहा है। एक एक डेट के हिसाब से उसकी हेडिंग बताता हूं। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के बांद्रा में जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अफवाह फैलाकर लॉकडाउन को कौन फेल करने की साजिश कर रहा है? बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? अर्णव गोस्वामी अपनी आर भारत चैनल पर एक प्रोग्राम करता है, पूछता है भारत। उसमें 14 अप्रैल को इसने प्रोग्राम दिखाया लुटेरा साध देश करेगा बर्बाद, 15 अप्रैल को जो जान बचाए वो भी मार खाए, एंगल यही था, 16 अप्रैल को कब तक खैर मनाएगा साध, 18 अप्रैल को जमात की तरह रोहिंगा के पीछे साध की साजिश, 19 अप्रैल को अब सलाखों के पीछे होगा साध, 17 अप्रैल को कब तक खैर मनाएगा साध, 20 अप्रैल को कई पीढ़ियों को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है साध, 21 अप्रैल को संतों की हत्या पर सन्नाटा क्यों, 22 अप्रैल को संतों की लिंचिंग पर धर्म की राजनीति क्यों, 23 अप्रैल को हिंदुस्तान में संतों को न्याय और समानता कब? समझ लीजिए कि ये पीपीई किट, देश में बढ़ते कोरोना संकट, डॉक्टर्स की समस्या, मजदूरों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को पाक साफ दिखाने के लिए देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक रहा है। पहले तबलीगी जमात, उसके बाद इसको मुद्दा हाथ में लग गया पालघर। क्या देश में अन्य कोई समस्याएं नहीं है दिखाने को? ये मात्र एक उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए, जानते समझते हुए। मैं इसे अज्ञानता नहीं कहूंगा, मैं इसे जाहिलता नहीं कहूंगा, मैं इसे क्रिमिनल इंटेंट कहूंगा। अर्णव गोस्वामी को टक्कर दे रहा न्यूज नेशन का दीपक चौरसिया प्रोग्राम लेकर आता है खोज खबर। 27 अप्रैल को प्रोग्राम बनाया मदरसा में कोरोना इन्फेक्शन, तबलीगी जमात जिम्मेदार। 24 अप्रैल को बनाया मौलाना साद इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहा है। 23 अप्रैल की हेडिंग मौलाना साद कहाँ है। 22 अप्रैल की हेडिंग इस्लामिक छात्र ने मौलाना साद से क्या कहा। 21 अप्रैल की हेडिंग प्रोफेसर गिरफ्तार लेकिन मौलाना साद कहाँ है। समझ लीजिए कि ये मीडिया आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरा उदाहरण। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था, तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए? इन्हीं दोनों की तरह विपक्ष पर चीख चिल्ला करके अपनी बहादुरी दिखाने वाला एक एंकर है अमीश देवगन, न्यूज 18 इंडिया में आर पार नामक प्रोग्राम लेकर आता है। 27 अप्रैल को उसने डिबेट कराई जमात तो जमात ओवैसी मियां सुभान अल्लाह। 24 अप्रैल को उसने डिबेट कराई रमजान में तो ईमान दिखाओ साध। 26 अप्रैल को डिबेट कराई हिंदू जन्म लेना इस देश में कोई गुनाह नहीं, कब पुलिस की पकड़ में आएगा साध। ऐसी तमाम सारी हेडिंग। चौथा उदाहरण जी न्यूज, जिसको छी न्यूज के नाम से भी जानते हैं। उसमें एक डिबेट शो आता है ताल ठोक के, उसकी हेडिंग सुनिए, पालघर हत्याकांड पर संतों की कब सुनेगी सरकार। दूसरी डिबेट कराई उसने, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे। ये हेडिंग इसलिए लगाई क्योंकि तमाम सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि जमातियों पर सवाल उठाने वाला यह गोदी मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है कि 300 से ज्यादा जमाती इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि उनका ब्लड प्लाज्मा ले लिया जाए उन मरीजों के लिए जो कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए इसने एंटी हेडिंग लगाई, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे। तीसरी हेडिंग, क्या है संतों की हत्या का पीटर कनेक्शन। चौथा डिबेट,
खून का धर्म बताएंगे, जमात को बचाएंगे, उसी एंगल को इसने डाइवर्ट करने की कोशिश की। पांचवी डिबेट इसने कराई, बुलंद शहर पर सियासत, पालघर पर मौन क्यों। समझिए किस तरीके से ये गोदी मीडिया अपने सत्ता पक्ष के लोगों को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी कुछ दिन पूर्व एटा में ब्राह्मण समाज के 6 लोगों की हत्या हो गई थी, अब बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई है। तो सरकार पर सवाल ना उठाना पड़े, इसलिए हेडिंग ये बदल कर की जाती है कि बुलंदशहर पर सियासत, पालघर पर मौन क्यों। बल्कि सच्चाई ये है कि बुलंदशहर पर सियासत कर कौन रहा है। विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, तो विपक्ष ने वहां पर भी सवाल उठाया था और विपक्ष ने यहां पर भी सवाल उठाए। यह वीडियो आपके सामने लेकर इसलिए आना चाहता था क्योंकि इस समय सबसे खतरनाक काम अगर देश में कोई कर रहा है तो वो है गोदी मीडिया। पूरे देश भर में नफरत का जहर जो लोगों के जहन में घुस रहा है, उसका असली गुनहगार यही गोदी मीडिया है। मैंने आपको 3 चरणों में बताने की कोशिश की। पहला चरण तो यह कि अपने स्वामी को युग पुरुष के रूप में प्रेजेंट किया जाए। उसका दूसरा चरण ये कि विपक्ष से सवाल किया जाए और विपक्ष को यह साबित करने की कोशिश की जाए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता है ही नहीं। इसका मतलब विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और सबसे गंदा और खतरनाक काम यह कि टीवी में डिबेट करा करा करके लोगों के जहन में नफरत के बीज घोले जाएं और उनको असली मुद्दों से पूरी तरीके से भटका दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि यही गोदी मीडिया एजेंडा सेट किए हुए थी राम मंदिर का। तकरीबन 1 महीने तक राम मंदिर पर डिबेट कराई गई। आपके पानी की समस्या, किसानों की समस्या, आरक्षण की समस्या, हिस्सेदारी की समस्या, कोरोना के समय में डॉक्टर्स की समस्या, मजदूरों की समस्या, राशन न मिलने की समस्या, खाना न मिलने की समस्या, अन्य बीमारियों को दरकिनार करने की समस्या, ये सारी समस्याएं भूल करके केवल आप गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग के शिकार अगर हो रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। आप नहीं बदलना चाहते हैं तो ना बदलें, लेकिन इस गोदी मीडिया की हकीकत आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।